नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वर्ब का पार्ट पढ़ा रहे हैं। ये वर्ब का 7वां पार्ट है और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में पढ़ने के बाद हम आगे आज पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो अधिकतर बच्चे इस बात को पहले ही जान चुके हैं कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इन ट्रांजिटिव क्या होते हैं। नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको इसमें नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी। अब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक घंटी वाला बटन होगा बेल आइकन, उसको भी आप दबा दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका कोई पैसा नहीं कटता है। ऐसा करने से बस हमारी जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाती है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल से कुछ पढ़ने सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप पढ़ाऊंगा आज आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? तो ट्रांजिटिव वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग टू समवन और समथिंग। द पर्सन और थिंग इज नोन एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो एक ऐसा एक्शन वर्ब होता है जो एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करता है और जो एक्शन है वो क्या कर रहा है, तो समवन यानी किस व्यक्ति पे काम हो रहा है या समथिंग किसी किस वस्तु पे काम हो रहा है ये भी बताता है। तो ये बताता है कि किस व्यक्ति या वस्तु पे काम हो रहा है। तो यानी कोई ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई पर्सन या थिंग को बताने के लिए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो मतलब जिनके बाद कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और ख़ासकर ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर थिंग्स आती हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें पर्सन्स आते हैं। तो ऐसा वर्ब जो जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे कह सकते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का काम होता है कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना कि वर्ब का यानी एक्शन का प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे किस पे पड़ रहा है, किसी पर्सन पे पड़ रहा है या थिंग पे पड़ रहा है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब एक एक्शन के बारे में व्यक्त करता है दैट इज हैपनिंग टू समवन। क्यों, क्या मतलब वो एक्शन किसी व्यक्ति पे हो रहा होता है और समथिंग या किसी वस्तु पे हो रहा होता है। दिस पर्सन और थिंग इज नोन एज, तो जिस व्यक्ति या वस्तु पे काम हो रहा होता है इज नोन एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो ना वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही इज रीडिंग अ बुक, तो आप देख रहे हो ही इज रीडिंग ए बुक। तो ही के बाद इज आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके आगे एक मेन वर्ब लगा हुआ है रीडिंग, तो ये एक एक्शन वर्ब है। और ये जो रीडिंग है इसके बाद यहाँ पे एक नाउन लिखा हुआ है बुक, और बुक से पहले एक आर्टिकल लिखा हुआ है ए बुक। तो ही इज रीडिंग ए बुक, तो रीडिंग एक एक्शन वर्ब है और इसके बाद जो ये बुक लिखा हुआ है ये आपका एक नाउन है और जो कि वर्ब के बाद आ रहा है और वर्ब के जो एक्शन है यानी ये जो एक्शन है इसका प्रभाव इस वस्तु पे पड़ रहा है। तो जब ना वर्ब का प्रभाव किसी वस्तु पे पड़ता है तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इस समय ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि बुक एक थिंग है। अगर यह किसी पर्सन का नाम होता तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यानी एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ये रीड। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो दो हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो थिंग के लिए आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन के लिए आते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कैन आल्सो टेक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आई सेंड माई ब्रदर ए लेटर, तो आई सब्जेक्ट हो गया, सेंड ये एक्शन वर्ब हो गया, इसके बाद दो वर्ड लिखे हुए हैं यानी दो नाउन, एक माई ब्रदर और एक अ लेटर। तो ये लेटर क्या है, ये थिंग है, तो थिंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और माई ब्रदर कौन है, एक पर्सन हुआ, तो पर्सन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वर्ब से अगर हम पर्सन करें वाट सेंड, तो आंसर आएगा लेटर। तो व्हाट के रिप्लाई आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं,
और वूम किसको भेजा, तो माई ब्रोदर, तो वूम के रिप्लाई आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो याद कर लेंगे कि वर्ब से वाट के रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और वूम WHOM वूम के रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट, देयर एक्शन इज नॉट हैपनिंग टू एनीवन और एनीथिंग। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होते और इनका जो एक्शन होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु पे नहीं मतलब इसके एक्शन का इफेक्ट किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है, किसी व्यक्ति या वस्तु पे नहीं पड़ता। यानी ऐसे वर्ब जिनके बाद ना ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही स्लिप, वह सोता है, तो यहाँ पे जो ये स्लिप है ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसकी वैसे ही कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। तो ऐसा वर्ब जो कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है और इसके आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है बल्कि इसके एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही लौट आता है, जैसे वह सोता है तो इस काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे लिखा है ही रन्स, वो दौड़ता है, तो वो दौड़ता है, तो यहाँ पे जो रन्स है ये एक ऐसा वर्ब है जिसके आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस काम का असर सब्जेक्ट पर वापस लौट के आ जा रहा है, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी आपने सीखा एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो दो तरह के वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा कुछ और जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर वर्ब, ठीक है। ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की बेस फॉर्म में हम डी या ईडी जोड़ते हैं अधिकतर। तो डी और ईडी जोड़ने से जो भी आपके वर्ब बनते हैं यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फिर एक सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जब आप डी या ईडी जोड़ते हो तो वो आपके रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म कहलाती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल फॉर्म कहलाती है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है, उसकी जिक्र हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ रेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं। तो रेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें बेस फॉर्म में डी या ईडी जोड़कर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे हमने लिखा प्ले, तो प्ले आपकी बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हमने इसका सेकेंड फॉर्म बनाया तो प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड, तो हमने देखा कि इसमें ईडी जोड़ने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गया। तो ऐसे वर्ब जिसमें डी या ईडी जोड़ने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं वो आपके कहलाते हैं रेगुलर वर्ब। तो प्ले आपका रेगुलर वर्ब हुआ, इसे याद करना आसान होता है। बेक, बेक्ड, बेक्ड, तो हमने देखा इसमें सिर्फ डी जुड़ा और सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गया। ऐसे लिसन, लिसन्ड, लिसन, गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, तो हमने देखा इन एग्जाम्पलों में कि सिर्फ डी या ईडी जोड़ने से आपके रेगुलर वर्ब बने। और अब हम जानेंगे क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर तो वो हो गए जिसमें हम डी या ईडी जोड़ते हैं, तो इरेगुलर उल्टा हो जाएगा जिसमें ई या ईडी नहीं जोड़ते हैं। तो इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब हुए जिनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते समय हम डी या ईडी को नहीं जोड़ते, डी या ईडी नहीं जोड़ते, दोनों नहीं जोड़ते, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जैसे कि सी, सी, सी माने होता है देखना, तो सी का सेकंड फॉर्म सी, सो, सीन, ये आपने इसे रट्टा मारा होगा, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी नहीं आ रहा है। ऐसी ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, गिव, गेव, गिवन, सिंग, सेंग, संग, स्विम, स्वैम, स्वम, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ठीक है। और सबसे मेनली होता है इसमें इरेगुलर वर्ब जो कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक लगता है और इसके बहुत ज़्यादा रूप होते हैं, वो होता है बी की फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म खुद बी होती है लेकिन प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर यूज होती है, ठीक है। इज सिंगुलर के लिए, एम, आई, आई के लिए खासकर, और आर जो होता है वो प्लूरल के लिए। और इसके अलावा वाज वर सेकेंड फॉर्म होती है
और बीन थर्ड फॉर्म होती है, और बीन जो होती है वो फोर्थ फॉर्म होती है। तो बी के ये सात रूप होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। बी के सात रूप होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बींग। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इरेगुलर वर्ब है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बी का इस्तेमाल कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब यानी दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, और मेन वर्ब के लिए भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बी के बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं जो टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है।